बनाइए, बरात आवेगी उन्होंने छकन वास्ते मठियाइया पकवान तैयार करिए। आगे गंगा मात सुजाना काज संभार तुजितक महाना। महाराज जी पहला माता गंगा जी सन, वह गुरु घर के जिन्ने कार्ज सन आप संभाल लेंदे सन, वह बड़े सियाने सन, सूझवान सन। जिन्हें ब्याह शादियां दे जां कोई जोड़ मेलिया के समागम होंदे सन, माता गंगा जी वह सारे समागम आप सारे संभाल लिया करते सन। उन्हां कोलों असी पुछ लेंदे सी कि माता जी तुसीं आग्या करो किस तरह करिए, वह सानू दसी जाते सन, असी करी जाते सी। पर महाराज जी हुण तां आप जी की जिम्मेवारी है सारे घर दी, इस करके आप जी हुण कृपा करके आ गया दिओ तां जो कढ़ाए चाढ़ के हुण मठियाइयां आदिक पकवान आदिक बनाए जाण। यथा जोग मंगल करवावत आयस देते नीक बनावत। माता गंगा जी सानू यथा योग आग्या दे दिंदे सन, उन्हां दी आग्या नाल असी मंगल करदे सी, खुशियां मनाउंदे सी, जिवें जिवें माता गंगा जी कहिंदे सन। अब तो रावर को इख्तियार करवावो सब कारज तैयार। हुण तां महाराज जी सब कुछ तुहाडे अख्तियार है, हुण सब कुछ तुहाडे हुक्म अंदर चलना है, इस करके सतगुरु जी हुण आग्या दिओ अपने रिश्तेदारां संबंधियां नूं सद्दे पत्र भेजो, हलवाइयां आदकां लांगरियां नूं सद के उन्हां नूं भी आखो कि वह मठियाइयां आदक बनाउण, सारियां तैयारियां आरंभ देईए, क्योंकि हुण विआह दी जिहड़ी तरीक है ओ बिल्कुल नजदीक आ पहुंची है। सुन गुर कितक काल ने कहियो आगे बिघन होन को लेयो। जदों मसंदा ने बेनती की सुन के सतगुरु जी कुछ नहीं बोले, कुछ समा तां सतगुरु जी चुप ही बैठे रहे, क्योंकि महाराज जी जानते सन कि आने वाले समय च की बिघन पैना है। भविखत समय दे ज्ञात ने सतगुरु जी नूं कि आने वाले समय च ये विआह दीआं तैयारियां कर रहे ने, असी जंग दीआं तैयारियां कर रहे हैं, इधर जंग होने ने श्री अमृतसर साहब की धरती ते, इस करके आने वाले समय च जिहड़े बिघन पैने ने उन्हां बाबत महाराज छेवें पातशाह जी जाणदे ने, इस करके मसंदा की बेनती सुन के कुछ समय लई महाराज जी नहीं बोले। मौन ठान कर बैठे स्वामी सब कुछ कुछ ना बखानी अंतर जमी। महाराज जी चुप करके बैठे रहे, मसंद पुछदे रहे, बोलदे रहे, बेनतियां करदे रहे, महाराज जी आग्या दिओ सदे पत्र भेजिए, मेल बुलाइए, रिश्तेदारां नूं बुलाइए, खबरां भेजिए, पर महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप करके अंतरयामी पातशाह जी बैठे रहे। बिख स्वभाव को सब बिस्माए कहां गुरु गत लखी न जाए। सतगुरु जी का ऐसा सुभाव वेख के अज पहली बेरा वेख्या इन्होंने कि सतगुरां नूं बेनती की होवे ते महाराज जी ने अगों कोई जवाब ना दिता होवे, इस करके बड़े हैरान होए ने, पर सोचते ने की जानिए सतगुरां दी की गत है, क्यों नहीं बोलते, पता नहीं क्यों नहीं जवाब देंदे, महाराज जी दी गत जानी नहीं जा रही। बहरो मंदर जाए प्रवेशे थिर प्रियंक पर जब हूं बैठे। सतगुरु जी अपने मंदरां विच आ गए, जदों अपने मंदरां विच आ के पलंगे ते बैठे ने, अपने आसना ते सतगुरु जी बैठे हन। तब दमोदरी चल कर आई सुता ब्याह की गात समझाए। माता दमोदरी जी चल के आए, सतगुरु जी नूं बेनती की महाराज आप जी दी लड़की वीरो दे ब्याह दी जिहड़ी तरीक है नेड़े आ पहुंची है, ते हाले आपां कोई तैयारी नहीं की, किसे रिश्तेदार संबंधी नूं कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई पकवान कोई मठियाइयां नहीं बनवाइयां, महाराज जी हाले तक आपां कोई समझा पूर्ण तौर ते कोई तैयारी नहीं की, एदा महाराज जी नूं माता दमोदरी जी बेनती करन लगे। क्यों ना करावत हे हो सब आहार काज विशाल विद्युत बाजार। महाराज जी क्यों नहीं हुण तुसीं कोई आहार कराउंदे, जिहड़े काम कार ने उह क्यों नहीं महाराज जी हुण आरंभ करा रहे, विआहां दे समागमां दे, ते पातशाह जी विआहां दे काम तां बड़े वड्डे हुंदे ने, इह तां जाहरी है प्रगट ही है, ते गुरु घर दे विच विआह होवे ते संगतां भी हजारां दी तादाद विच आउंदियां ने,
इस करके महाराज जी गुरु घर दे ते बड़े बड़े भारी कार्ज जाहरी ने प्रगटी हन। अबे कराहे कै चिड़वावो जित किते सब मेल बुलावो। महाराज जी हुण हुक्म करो ता जो सिख कढ़ाई चाड़ देन पठियां ते हुण पकवान आदक बनाउणे शुरू कर देन ते उधर जित कित जिथे जिथे गुरु घर दे संगत है उन्हां नूं मेल वास्ते सदे भेज दिओ, संगतां नूं सुनेहे भेज दिओ। श्री सतगुर सुन तबै बखाना करो पकावन गन पकवाना। पहलों मसंदा ने बेनती कीती, जदों घर आए ते माता दमोदरी जी ने भी उहा बेनती कीती। सुन के फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कीता, आख्या भाई फिर हुण तैयारी करो, कड़ाए चाड़ दे पठिया ते पकवान तैयार कर लवो। मेल हकारन बने न अभे अप्रकार तैयारी कर सवे। आख्या भी होर ता सारियां तैयारियां कर लो, मठियाइयां पकवान जो जो कुछ बनाउणा है, कपड़े वस्त्र जो जो कुछ लैणा है हुण लै लो, पर मेल ना बुलायो जे हाले, क्योंकि मेल इत्थे ता सूरमियां दा मेल होण वाला है। महाराज जी जाणदे ने इत्थे ता पहला दला मिलंदिया भेड़ भया निहंगा एक कोतक होण वाले ने आउण वाले समय च। आख्या भी मेल ना बुलायो जे हाले, होर बाकी सारियां तैयारियां कर लवो। सुन दमोदरी और बिस्माए एक बोलत लखी न जाए। के माता दमोदरी जी बड़े हैरान होए भी ब्याह के केड़ा दिन रह गए ने, ये किहो जे बचन कर रहे ने, कुछ समझ नहीं आई माता दमोदरी जी दे के बाकी कहंदे सारियां तैयारियां कर लो ते मेल नहीं बुलाउणा हाले, ते जे हुण नहीं बुलाउणा मेल ते कदों बुलाउणा। एदा माता दमोदरी जी दे मन दे विच बहुत ज्यादा हैरानी होई। कहो सबन सो करनी कार ने इक कीनस मेल हकार। आख्या महाराज जी दा बचन माता दमोदरी जी ने के भाई होर ता सारे काम आरंभ कर दिओ, पर मेल नहीं हाले बुलाउणा, ये गुरु जी का हुक्म है कि हाले मेल नूं सदे पत्र नहीं भेजने। पांत पांत की ओत मिठाए कर कर त्यार तरे इकठाए। इतना महाराज जी दे बचन होण दी देरी सी, कड़ाए चाड़ दिते हन ते पांत पांत दियां मठियाइयां पांत पांत दे पकवान बन के तैयार होण लगे हन। लोकन बिखै बिदत सब होई मेल बुलावन कियो न कोई। ये गल सारे लोकां विच प्रगट हो गई, जिन्ने श्री अमृतसर नगर दे वसनीक सी, मसंद सी, सिख सी, कि गुरु साहब जी ने बाकी तां सारियां तैयारियां करन नूं कह दिता है, पर नाले बचन कीता भी मेल नहीं बुलाउणा। जिहड़े रिश्तेदार संबंधी सिख बुलाउणे ने उहनां नूं हाले नहीं बुलाउणा, उहनां नूं सद्दा पत्र नहीं भेजणा। कहिंदे गुरु जी इह किहो जिहा विआह कर रहे ने, अगे गुरु घर च कई विआह होए ने, मेल बुलाई दा, पर इस वेरी गुरु जी कहंदे ने भी मेल नहीं बुलाउणा। ए भी नई रीत कछ कीनी कुल की चाल त्याग कर दीनी। हुण जिहड़े निंदा करन वाले उहनां नूं इक होर कारण मिल गया, जिहड़े पहला ही निंदा करदे सन, कहंदे आ वेखो अगे तां नवीआं रीतियां कीतियां ही ने गुरु जी ने, एक नवां काम होर धारण कर लिया भी विआह कर रहे ने ते रिश्तेदारां नूं बुला ही नहीं रहे, संबंधियों नूं साख संबंधियों नूं सिखां नूं मेल नूं बुला ही नहीं रहे। ये भी एक इन्हां ने नवा ही काम किया, अपनी कुल की जिहड़ी चाल है पहली मर्यादा इन्हां दे कुल की, अपनी उस कुल की मर्यादा नूं गुरु जी ने त्याग दिता है। फुन दमोदरी कै बोबारी उत्तर दियो न तूशन धारी। माता दमोदरी जी ने बथेरियां बेनतियां कीतियां सतगुरां नूं, कई बेरी कहा कि महाराज जी मेल क्यों नहीं हाले बुलाउणा, आप जी मेल नूं बुलाउण वास्ते सदे पत्र क्यों नहीं भेज रहे, पर सतगुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिता। महाराज जी चोपी धारण करी बैठे ने, माता दमोदरी जी दे और मसंदा दे बार बार पुछण ते भी सतगुरु जी अगों कोई जवाब नहीं देंदे। एक दिन सिख जस थल गुरदास बैठे ब्रिंद जाए कर पार। खालसा जी इस तरह कुछ समा बीते है, एक दिन कुछ सिख जिहड़े गुरु घर ते श्रद्धा भावना रखण वाले सिख सन
वो कुछ क सिख एक दिन भाई साहब भाई गुरदास जी जिस थां ते बैठे सन उथे चल के आए। बदली सोडी सेठ गोपाला तख्त तीरथ नवल न्याला। भाई बदली जी भाई गोपाला जी भाई तख्तू जी भाई तीर्थ जी भाई नवलू जी भाई निहाला जी ये जेड़े पुरातन गुरु घर दे नाम रसिए सिख सन। कृष्णा जैत तिलो का सुर सिख तुलसिया रहत हजूर। भाई कृष्णा जी भाई तलोका जी भाई तुलसिया जी ये सतगुरां दे हजूर रहिंदे सी। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दे घर च रह के सतगुरां दे घर दी सेवा करदे सन। ये सारे सिख इकट्ठे हो के इत्यादक जानो सिख बृंद केतक गिनिया नाम बिलंद। इत्यादक अनेकां ही सिख जेडे बड़े बड़े महान सिख होए ने जिन्हां नूं महाराज जी ने आत्म गयान दियां दातां बख्शियां सन। कहिंदे किन्हां किन्हां दे नाम गिणीए। हाथ जोड़ गुरदास अगारी सगरे सिखन गिरा उचारी। ये सारे सिख भाई गुरदास जी को आए इकट्ठे होके भाई गुरदास जी को इन्होंने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ के भाई गुरदास जी ने ना सारे सिखा ने बेनती की कैवदी गुरु की निंदा सुनने जरी जाए चित चिंदा। लगे भाई साहब जी असी बेनती लैके आए हैं कि जिथे किथे गुरु हरगोबिंद साहब जी की निंदा वध रही है जिथे जिथे नगरां दे विच कोई आउंदा ते जाके महाराज जी की निंदा करन वाले निंदक वध रहे ने गुरु साहब जी की निंदा वध रही है ते भाई गुरदास जी सतगुरां की निंदा सुन के सिखां कोलों जरी नहीं जांदी। महाराज जी की निंदा सुन के साडे कोलों भी जरी नहीं जांदी ते सारे सिखां दे मनां दे विच इक भारी चिंता है। तुम अर बड़े जो बुड्ढा साहिब श्री अर्जन के महा मुसाहिब। तुसी गुरु घर दे विच तुसी भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी गुरु अर्जन साहिब जी दे समय दे तुसी गुरु घर दे वड्डे मुसाहिब हो सलाहकार हो। जदों भी कोई सिखां ते समस्या आउंदी आ सिख तुहानू बेनती करदे ने जां बाबा बुड्ढा जी नूं बेनती करदे ने ते बाबा बुड्ढा जी तां बीड़ च गए होए ने ते असीं तुहाडे कोल बेनती करन वास्ते आए हां कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दी निंदा बहुत ज्यादा वध गई है ते सिखां कोलों सुन के निंदा जरी नहीं जांदी। जे त्यादक अपर सिख थीर तिनो नकमो बिठावे तीर। ये तां जिहड़े होर आप जी तों बिना महाराज सच्चे पातशाह जी अपने लागे होर किसे सिख नूं नहीं बिठाउंदे। आप जी नूं गुरु घर दे विच वड्डा भारी रुतबा ते सत्कार प्राप्त है। जिम मले च बड़ पैंदे खान रखे निकट प्रेम को थान। भाई गुरदास जी बाबा बुड्ढा जी वर्गे आप जी वर्गे महान गुरसिख तुहानू भी कदे गुरु साहब ने इन्ने प्यार नाल अपने कोल नहीं बिठाया होना जिन्ना पैंदे खान नूं अपने कोल बिठाउंदे ने। भाई सिख बेनती कर रहे भाई गुरदास जी नूं कि तुहाडे वड्डे वर्गे महान जिहड़े गुरसिख ने आप जी नूं भी कदे सतगुरु जी ने इन्ने प्रेम नाल अपने कोल नहीं बिठाया होना जिन्ना प्रेम पैंदे खां मलेश नाल महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी करके उन्हों अपने कोल रखते ते कोल बिठाउंदे ने। पुन कोला की बात अजोग पिख कुकर्म निंदत है लोग। एक तां पैंदे खां नूं वेख के ते दूजा माता कौला नूं वेख वेख के जिहड़े निंदक ने उह सतगुरां दी निंदा करदे ने कि गुरु जी ने कौला नूं अपने घर रखिया फिर कौला नूं मिलन जांदे ने। एदा महाराज सच्चे पातशाह जी दी निंदा करदे ने निंदक लोग। तुम श्री गुरु अर्जन के मेली क्यों समझाए न थानो ठेली। हे भाई गुरदास जी तुसी गुरु अर्जन साहब जी महाराज वड्डे सतगुरां दे मेली हो ते तुसी आप चल के भला महाराज जी नूं क्यों नहीं समझाउंदे। तुसी क्यों नहीं गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जाके दसदे कि उन्हां दी एडी वड्डी भारी निंदा सारे पासे हो रही है। सुन गुरदास कई निजबानी एक पौड़ी विच वार बखानी। खालसा जी भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस समय का जिहड़ा सारा वर्तारा सिखां विच वरत रहा सी
जेडे निंदक निंदा कर रहे सन उन्हां सारयां दा वर्तारा भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच उचारण कीता। भाई गुरदास जी ने अपनी 26वीं वार दे विच एक पौड़ी उचारण कीती जिहड़ी पौड़ी उस समय दा सारा बिरतंत प्रगट करके दसदी है। वह पौड़ी इत्थे भाई संतोख सिंह जी लिख रहे ने, धर्मशाल कर बहिंदा एक तथाना टिके टिकाया। वो निंदक लोग निंदा करके की कहंदे ने, कहंदे वड्डे सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी दे समय तक जिन्ने गुरु साहबान होए ने वो धर्मशाला विच बैठ के सतसंगत करया करदे सन। बेअंत गुरु की संगत उन्हां दे पास बैठदी सी, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलदे सन, घंटियां बद्धी कीर्तन हुंदा सी। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी ऐसे ने जदों दे गद्दी ते बैठे ने ए नहीं टेक के बैठे गद्दी ते, ए घोड़ियां दी काठी ते ही रहिंदे ने। कदे तेगां फड़ के अखाड़े विच जूझदे ने, अखाड़े विच शस्त्र विद्या दा अभ्यास करदे, कदे शिकार खेडदे ने। पहले गुरु साहबान धर्मशाला दे विच इकत्त संगत नूं इकट्ठी करके बैठदे सन, पर आ एक थां ते टेक के टिकदे ही नहीं ते ना ही अपने नाल सिखां नूं टिकण दिंदे ने, उहनां नूं वी नाल शिकार खेडण दौड़ाई फिरदे ने। पातशाह घर आमदे घर चढ़िया पातशाह चढ़ाया। अगे वड्डे वड्डे जिहड़े बादशाह पातशाह सी उह गुरु घर आउंदे सन, गुरु घर निमदे सन, इह आप घोड़ियां ते सवार हो के बादशाहां दे महलां च जांदे ने। ग्वालियर दे किले वर्गियां विच कैद रह के आए ने, बादशाह जहांगीर दे महलां च रह के आए ने। पहले बादशाह गुरु घर आ के निवंदे सन, ये आप उठ के बादशाहां दे घर जांदे हन। उम्मत महल ना पावंदी नठा फिरै ना करे डराया। उन्हां निंदकां दी जिहड़ी शब्दावली सी ना वह भी खरवी सी, खरवी शब्दावली दे विच निंदा करदे ने। कहिंदे जी पहले गुरु साहबाना दे तां असीं दर्शन करदे सी ते दर्शन करन वालियां नूं वारी नहीं सी आउंदी, इन्नियां संगतां दर्शन करन वास्ते लैणा ला के दूर दूर तक खलोते रहिंदे सी। पर आ गुरु हरगोबिंद जी इन्हां दे दर्शन हुंदे ही नहीं, अगे तां चलो लैण च लग के कितें दर्शन हो जांदे सन ते बैठदे ही नहीं दीवान विच, ते दर्शन कित्थों होणे ने। नठा फिरै ये दौड़े ही फिरदे ने, ना डरै ना डरदे ने ते ना ही अगे किसे नूं होर डराउण दी ताकत रखदे ने। मंजी बै संतोख दा कुत्ते रख शिकार खिलाया। पहले गुरु साहबान मंजी ते बह के गद्दी ते बह के संतोख दा सत दा उपदेश देंदे सन ते अखाड़ा रच के रोज सूरमिया नूं शस्त्र चलाण दा उपदेश देंदे ने, उन्हां नूं शिकार खेडण दा उपदेश देंदे ने, ते कुत्ते रख शिकार खिलाया। ये अपने कुत्ते रख के शिकारी ते शिकारी जिहड़े जानवर ने, पंछी ने, बाज ने, कुइयां ने, वह रख के अपने कोले शिकारती चढ़े रहिंदे ने और शिकार ही खड़ाउंदे ने। बाणी कर सुन गावंदा कबे न सुने न गाव सुनाया। पहले गुरु साहबान आप बाणी उचारदे सन, वह आप बाणी बनाउंदे सन, उचारदे सन, फिर उस बाणी नूं आप गावंदे सन और उस बाणी नूं सुनदे सन। पर गुरु हरगोबिंद जी ये ना बाणी उचारदे ने, पहले पंज गुरु साहबाना तक बाणी उचारी है, ये अगे नवी बाणी नहीं उचारदे ते ना ही बाणी की कथा करदे ने, ना बह के सुनदे ने ते ना ही गाउंदे ने। इन्हां ने वक्खरी मर्यादा चला ली है, पहले गुरु साहबाना दियां जिहड़ियां सारियां रीतियां ने उह छड्ड दित्तियां ने। खालसा जी इत्थे ये नहीं जाणदे कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने एक नवी रीति धारण की है जंग युद्ध की, बाकी रीत उही है अमृत वेले रोज आसा जी की वार दे कीर्तन होंदे ने, उही मर्यादा चल रही जी गुरु अर्जन साहब जी के दरबार समय से। एक नवी मर्यादा कीर्तनिया की थां ते ढाडी ते कवीशर आ के योध्या दियां वारां गा के सूरमिया च बीरस भरदे ने।
पर इत्थे निंदा करन वाले की निंदा करदे ने, कहिंदे ना तां बाणी उचारदे ने, ना बह के सुणदे ने, ते ना ही गाउंदे ते ना ही सुणाउंदे ने। सेवक पास न रखियन दोखी दुष्ट आगू मोए लाया। पहले गुरु साहिबान अपने कोल सेवक रखदे सी, सेवादार रखदे सी, ते सेवकां नूं अपने नेड़े रखना। इन्हां ने दोखियां ते दुष्टां नूं आगू बना के उन्हां नूं मूंह लाया। पैंदे खां वल इशारा है कि पैंदे खां वर्गे जिहड़े दोखी ने गुरु घर दे ते दुष्ट ने मलेच ने उन्हां नूं आगू बना दिता है और उन्हूं मूंह ला के अपने कोल बिठाई फिरदे ने। सच न लुकै लुकाया चरण कवल सिख पवर लुभाया। अखीर विच भाई गुरदास जी सिखां नूं संबोधन करके कहिंदे, कहिंदे लोग लखां पे गल्लां करन, सुन के जिहड़ा नाम रसिया गुरु का सिख गुरु ते श्रद्धा रखण वाला ना, उह जाणदा महाराज जी दी महिमा की है। सच नूं जिन्ना मर्जी कोई लुको ले, उह नहीं लुकदा। गुरु हरगोबिंद साहब जी ये बाहरी लीला करके भरमा रहे ने ते अनेकां भरम गए ने, पर चरण कवल सिख भवर लुभाया, जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पवित्र चरणा कवलां दे भौरे ने ना, उह नहीं भरमदे। बाकी वेख के सारे भरम गए हन, बाकी सारिआं दे हिरदिआं च भरम पै गिआ, पर एक सच नूं लुकाया नहीं जा सकदा गुरु के सिखां पासों। बाणियां गुण लुका के रख लैंदा दुकान च, उच्चे थां ते भी रख लैंदा, पर कीड़े ते कीड़ियां फिर भी उस गुण ताईं जा पहुंचदे ने। सतगुरु जी अपना आप लुका रहे ने बाहरी लीला करके, पर गुरु के सिख फिर भी भौरे बन के महाराज जी दे चरण कमलां ते लुभाए मां नहीं रहिंदे हन। जर जरै न आप जणाया, जर जरै ना आप जनाया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ऐसे हन जिहड़े अजर नूं जरन वाले हन, जिन्हां ने अपना आपा नहीं जनाया, जिन्हां ने अपना आपा प्रगट करके नहीं विखाया। चौपाई ने चिंता तुम मन में धारो, गुरु को पूर्ण ब्रह्म विचारो। ये सुन के भाई साहब भाई गुरदास जी ने पौड़ी उचारी ते सिखां नूं संबोधन करके कह रहे ने, भाई सिखो तुसी अपने मन च चिंता ना करो, अपने मन च चिंता ना धारो। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी पूर्ण ब्रह्म रूप ने, पूर्ण परमेश्वर रूप हन। श्री परमेश्वर के अवतार गत ने जानी जाए उदार। सतगुरु जी श्री परमेश्वर दा अकाल पुरख दा अवतार ने, ते अकाल पुरख दी गत नहीं जानी जा सकदी, अकाल पुरख दी गत नहीं जानी जा सकदी। किसन अनेक मिर्जा दा सूरी, किसकी लाज कीन ने थोरी। भगवान कृष्ण जी वर्गियां ने मर्यादा तोड़ी, उन्हां 16,000 तो भी वधीक आदि कराणियां रखियां, पर किसी की उन्होंने लाज नहीं तोड़ी। फिर भी भगवान कृष्ण नूं लोग भगवान कृष्ण ही कहिंदे ने, कदे ते नहीं कहिंदे भी कृष्ण जी काम ही सन, उन्हां नूं भगवान करके ही संबोधन करदे हन। करत रहे निंदा अनजान सो ईश्वर निर्लेप मान। पर जिहड़े निंदक सन उदों भी उन्हां दी निंदा करदे रहे, अनजान पुणे विच उदों भी उन्हां दी निंदा करदे रहे, पर वह ईश्वर रूप हो के निर्लेप रहे संसार अंदर। ये तुम चात कछु कहायो, चाहत हो ए परम हटायो। चलो जे फिर भी तुसी कुछ कहाना चाहते हो ना गुरु साहब जी नूं, हालांकि कहण दी लोड़ नहीं है कि तुसी इस तरह करो ते इस तरह ना करो, पर जे तुसी फिर भी कहाना चाहते हो ते ये भी कहा के तुहाडा भरम मिटा दिने, ये भी भरम तुहाडे हिरदे चो कढ दिने। हां तो बिरद निकट बेनती करिया, कैबे को समरथ बिचरिया। ये कहण दी समरथा केवल बाबा बुढ़ा जी विच है, उही गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं कह सकदे ने, जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कहण वाला सिख, ये बेनती करन वाला भी सिख कोई सधारण सिख नहीं हो सकदा, ओ सिख भी कोई ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वर्गा सिख होना चाहिए, जिहड़ा आप गुरु साहब जी नूं बेनती करके आखे महाराज जी इदां करो।
बाबा बुढ़ा जी वर्गा सिख इत भाई गुरदास जी आप भी कह सकते महान सिख सन, पर कहिंदे कहण दी ताकत समर्था गुरु साहब जी नूं कि तुसीं इदां करो इदां ना करो। इस अवस्था नूं इस बचन नूं कहण वाला जिहड़ा सिख है वह भी बड़ी उच्च अवस्था का होना चाहिए बाबा बुढ़ा जी वर्गा। इस करके तुसीं हुण बाबा बुढ़ा जी कोल चल के बेनती करो, ओही महाराज जी नूं कहण दी समर्था रखदे ने। सुन कर सिखन बोर बखाना तुम भी चलो बिरज के थाना। सुन के सिखां ने आख्या भाई गुरदास जी तुसीं भी साडे नाल बाबा बुढ़ा जी कोल चलो, दर्शन करो संग निजलिया मैं तिन ते गुर टिक सकल कहां मैं। बाबा बुढ़ा जी दे जाके दर्शन करके उन्हां नूं बेनती करके नाल लियावांगे और बेनती करके सतगुरां नूं उन्हां नूं कहावांगे जो असीं चाहुंदे हां। सुन बिनती कोट गुरदास सिखन सहत गए बिरद पास। सिखां दी बेनती सुन के भाई गुरदास जी भी उठ पए और इन्हां सारे सिखां दे नाल बाबा बुढ़ा जी दे पास चल पए। भीड़ बिखै चुंगी जिन पाई एक रस ब्रिति आनंद ठहराए। भीड़ विच गए जिथे बाबा बुढ़ा जी ने एक झुग्गी पाई हुई है और उस झुग्गी दे विच बैठे ने अंतरात्मे एक रस अवस्था दे धारणी एक रस बिरती नूं धारण करके आनंद विच जिन्हां दी बिरती ठहरी हुई है। जाए निकट बंधन सब कीन कयो जोर कर होए अधीन। सारिया ने बाबा बुढ़ा जी कोल जाके वंदना कीती नमस्कार कीती और जाके जिहड़ी बेनती करनी सी वह बेनती कीती है। सब की चिंता आप निवारो तुम ही उचित हृदय निर्धारो। आख्या हे बाबा बुढ़ा जी आप जी कोल आए हैं साडे सारे सिखां दी चिंता केवल तुसीं दूर कर सकदे हो, साडी चिंता नूं निवारण केवल आप जी कर सकदे हो। गुर निंदा नै जाए सहारी चल आए हम शरण तिहारे। सतगुरां दी निंदा सुन के साडे कोलों सहारी नहीं जांदी, इस करके बाबा जी असीं आप जी कोल चल के आए हाँ कि तुसीं कोई हुण कृपा करो ता जो गुरु पातशाह जी दी निंदा होनी बंद हो जाए। सर्व वार्ता कै समझाई कयो मरम गुरदास मनाई। सारी वार्ता कह के जिहड़ी पौड़ी भाई गुरदास जी ने उचारी सी ना उह पौड़ी भाई साहब जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं भी सुनाई कि आ चर्चा उह इस वेले निंदकां दे विच चल रही है। सुन बिरद सब को कयो सुनाई समरथ को ने दोषी कदाई। सुन के बाबा बुढ़ा जी ने सिखां नूं आख्या भाई सिखो समरथ नूं कदे कोई दोष नहीं पौंदा है, वह कुछ भी करे क्योंकि उहदा औगण भी गुण रूप होया करदा, उहदी कुरीति भी मर्यादा नूं ढालण वास्ते हुंदी है। इस करके भाई समरथ नूं कदे किसे प्रकार का दोष नहीं हुंदा।